उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाबालिग हिंदू लड़की पर मोहम्मद फैज नाम के मुस्लिम युवक द्वारा निकाह करने के लिए दबाव डालने का और धमकी देने का मामला सामने आया है। मोहम्मद फैज पर पहले से ही कई सारे मामले दर्ज है। फैज को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे पहले 26 नवंबर शनिवार को जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई तो उसके परिजन और पड़ोसी पुलिस से भिड़ गए। नाबालिग हिंदू लड़की एक बिजनेसमैन की बेटी है और वह 12वीं में पढ़ती है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित परिवार ने फैज पर अपनी बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। चमनगंज के रहने वाले फैज पर नाबालिग छात्रा पर इस्लाम कबूल करने और खुद से निकाह करने का दबाव डालने का आरोप है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक फैज ने निकाह नहीं करने पर पीड़िता के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। उसे घर से ही उठाने की बात भी कही थी। साथ ही उसके पूरे परिवार को गोली मारने की भी धमकी दी गई थी। अक्टूबर में जब पीड़ित परिवार ने पहली बार फैज के खिलाफ शिकायत की तो वह फरार हो गया था, लेकिन फरारी में भी वह 25 नवंबर को पीड़िता के घर पहुंच गया था। पुलिस के अनुसार फैज आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उस पर पहले से ही 3 केस दर्ज है। वह पहले भी जेल जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के परिवार के लोग अक्सर बीमार रहते थे। इसी दौरान किसी ने उन्हें अजमेर दरगाह जाने की सलाह दी थी। पीड़िता के पिता के मुताबिक फैज उन्हें अजमेर के रास्ते में ही मिला था। बाद में उसने सोशल मीडिया के जरिए उनकी बेटी से दोस्ती कर ली। जब वह लड़की को प्रताड़ित करने लगा तो अक्टूबर 2022 में पीड़ित परिवार ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। इसके बाद वह फरार हो गया था। इस दौरान पीड़ित पिता को लगातार धमकियां मिलने के चलते उन्होंने 27 नवंबर को फिर से उसके खिलाफ एक अलग मामला दर्ज करवाया। फरार होने के दौरान भी फैज लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। शनिवार 26 नवंबर को पुलिस को उसकी लोकेशन चमनगंज में मिली थी। उसकी घेराबंदी की गई तो उसने महिलाओं को आगे कर दिया। बाद में उन्हीं महिलाओं ने आस पड़ोस के बाकी लोगों को भी जमा कर लिया और पुलिस से धक्का मुक्की की, जिसके बाद अतिरिक्त फोर्स बुलाकर भीड़ को काबू किया गया और फैज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में फैज की अम्मी पुलिस वालों से उलझती दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस ने महिलाओं को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। 3-3 बार जेल जाने के बाद भी इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले इस शख्स को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसके परिवार वाले उसी का साथ दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम। थाना नवबस्ता में दिनांक 16 अक्टूबर को मोहम्मद फैज नामक एक व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया, जिसके संबंध में थाना नवबस्ता पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि उक्त व्यक्ति की आम शोहरत अच्छी नहीं है और वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस दौरान उसने उक्त पीड़िता पर पुनः दबाव बनाना शुरू किया और जान से मारने की धमकी भी दिया। इसके संबंध में कल उनके पिता द्वारा थाना नवस्था पर एक तहरीर दी गई, जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया और कल ही मोहम्मद फैज की गिरफ्तारी थाना नवस्था द्वारा कर ली गई है और उनको उसमें रिमांड लेकर जेल भी भेज दिया गया है। पीड़िता की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और निष्पक्षता पूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।